राज्य में शराब के धंधे को लेकर अब तक विपक्षी नेता खुलेआम आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष के सांसद द्वारा ही गंभीर आरोप लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने एक बार फिर शराब को लेकर बड़ा बयान दिया। गुजरात में शराब बंदी और शराब तस्कर को लेकर क्या कहा सांसद मनसुख वसावा ने? गुजरात में शराब के धंधे को लेकर अब तक विपक्षी नेता खुलेआम आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष के सांसद द्वारा ही गंभीर आरोप लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने एक बार फिर शराब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि कुछ किस्सों में पुलिस और शराब तस्करी की मिलीभगत होती है। शराब आदिवासी समाज को बर्बाद कर रही है, समाज को सुधारना होगा और नशा मुक्ति करनी होगी। दिनेश भुटलेकर 7 वर्ष पहला मैं 3 करोड़ नो दारू पकड़ायो चित्रोल मा, अने हजु भी कहू छु के पोलिस ना केटला के लोको मळेला छे के फुलना मा बंद मारे ने थोड़ो कहू छु हुं दरिया वगर कहू हजु भी कहू पोलिस ना मानसो आमने साथे मळेला होय छे। जो भाई एक वस्तु समझी लेजो, आ दूसरों ना डाम माटे आवु बोलू पड़े, मनसुख वसावा जे बोले छे ने ए भाषा बधाए बोलवी पड़े तो समाज आगळ आवानो ने। भरूच सांसद मनसुख वसावा ने एक बार फिर दिनेश वसावा का नाम लिया और कहा, 7 साल पहले मैंने चित्रोल गांव से 3 करोड़ की शराब पकड़ी थी। मैं खुलेआम कहता हूं कि दिनेश शराब तस्कर है, कुछ लोग पुलिस से मिले हुए हैं। भाई एक बात समझ में आ जाए तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए आपको ऐसे ही बोलना होगा। हर किसी को वही भाषा बोलनी होगी जो मनसुख वसावा बोलते हैं, तभी समाज आगे आएगा। भरूच से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा ने मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नेता लोगों को स्टार बैंड में शराब पिलाकर रात भर नचाते हैं, यही आपकी समाज सेवा की नीति है। अब युवाओं की ऊर्जा को शिक्षा की ओर मोड़ना चाहिए, रोजगार की ओर मोड़ना चाहिए, तभी युवाओं और देश का भला होगा। देश के प्रधानमंत्री इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।